नमस्ते बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बच्चों व्यू मेनू के बारे में। व्यू मेनू क्या होता है? व्यू मीन्स होता है बच्चों देखना। ऑलरेडी हम लोग रिव्यू खत्म कर चुके हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है व्यू टैब यानी व्यू मेनू। आज हम लोग व्यू टैब के बारे में सीखेंगे, एक-एक कमांड्स क्लियर करेंगे। जो भी डाउट होता है लास्ट पोर्शन में बच्चों क्वेश्चन आप करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना व्यू टैब। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए छोटी-छोटी कमांड्स यहां इन्होंने दे रखी है कि नॉर्मल क्या होता है, पेज लेआउट क्या होता है। चलिए कवर करते हैं। कोई भी डेटा अगर आपके आपके स्क्रीन पर डेटा हो तो आप डेटा ले लीजिए रिसेंटली, और उस डेटा के अनुसार कवर करेंगे आप हर चीज को। जी आपके पास डेटा है, आप चाहते हैं कि नॉर्मल में तो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन लेआउट मोड पे अगर आपको देखना है, लेआउट में क्या होता है, आपको हेडर एंड फुटर एक्स्ट्रा मिल जाता है, और लेआउट से ये भी पता चलता रहता है कि आपका मैटर कितने पेज में जा रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका मैटर एक पेज से अधिक दूसरे पेज पे जा रहा है, ठीक है। तो अब जो एक पेज में कैसे एडजस्ट होगा ये कोई हमारा स्टूडेंट ही बताएगा। चलिए बताइए। नॉर्मल नॉर्मल करने का कोई मतलब नहीं, जब हम प्रीव्यू देखेंगे तो ये दो ही पेज में जाएगा। कोई रास्ता है इसको कम करने का? किसी को कोई डाउट आइडिया है? कोई आइडिया नहीं। एक तरीका तो ये है, इसका साइज छोटा कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके स्क्रीन पर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके स्क्रीन पर नॉर्मली यहाँ पे सेटिंग दी जाती है जब प्रिंट आउट आप करते हैं। जब भी आप प्रिंट आउट करेंगे तो आपको मैंने बताया था अभी नो स्केलिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां पास आप फिट कर देंगे। जैसे आप फिट कर देंगे आपका डेटा एक ही पेजेस में देखिए एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मेन टॉपिक होता है डेटा बनाना नहीं होता है, यहाँ पे कहने का मतलब प्रिंट आउट भी करना होता है, ठीक है। अगर कभी बड़ा डेटा हो तो किस तरीके से आप प्रिंट आउट देंगे वो मेन मायने रखता है। अगर आपके मालिक ने कहा कि आप डेटा बना के रखे हो, आपका डेटा बहुत कॉलम में है, अगर आपको निकालना पड़ गया तो आप फंस जाओगे, तो वो चीजें ना होने पाए, इसीलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया बच्चों नॉर्मली। चलिए तो ये पेज लेआउट का मतलब आप समझ गए होंगे और नॉर्मल भी समझ गए होंगे। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब होता है, प्रीव्यू मतलब देखना होता है पेज को ब्रेक करके। ये भी वही टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप से दिखेगा। इसमें वाटर मार्क की फैसिलिटी होगी, आपके पेज के पीछे एक वाटर मार्क लगा होगा जो कि देखने में आपका पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ऐसे। आप चाहते हैं कि आपके पेज के पीछे जितने मैटर होगा उतना ही डेटा इसमें प्रीव्यू होकर दिखा करता है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ये नहीं कहा जाता कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप ब्रेक करने से आपको ये पता चल जाए कि आपका मैटर ये कितने पेजेस में जा रहा है। उसके पीछे एक फैसिलिटी और मिलती है, वाटर मार्क। आप पीछे देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर पीछे वाटर मार्क दिख रहा है, ये वाटर मार्क मिल गया। क्लियर हो गया? चलिए कस्टम व्यू का मतलब होता है, नॉर्मली अगर हम लोग एक सेटिंग करते हैं यहाँ पे कि हम लोग अगर इस पेजेस में हैं, अगर हम लोग कभी भी पेज हमारा गलती से बंद भी हो जाता है तो हम लोग जिस पेज को नाम दे देंगे उस पेज पर हम लोग डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। जी आपकी स्क्रीन पर जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे कस्टम व्यू पे, आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा एक कस्टम व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है बच्चों कि कस्टम व्यू पर क्लिक करने पर कैसा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो जी आपको पता होना चाहिए कस्टम व्यू पर क्लिक करने पर कस्टम व्यू नाम का ही डायलॉग बॉक्स आता है, कोई डिफरेंट नहीं है। ऐड ऑप्शन में जाइए, नाम दे दीजिए, ओके करिए। जैसे आप ओके कर देंगे हम तीसरी शीट में चले आते हैं, और यहाँ पे हम लोग वर्क अपना कर रहे हैं, कुछ भी काम कर ले रहे हैं छोटा मोटा। अगर हमको कहा गया कि वो सीट पे जाना है डायरेक्टली, हमको नहीं पता यहाँ पे कौन सी सीट है, भाई 1 है कि 4 है कि 5 है, क्या है 2 है, ये तो पता ही नहीं है। लेकिन अगर हमें उसमें जंप करना है तो बस कस्टम व्यू के अंदर जाइए, और बस सीधा यहाँ पे ऑप्शन दिया है इन्होंने। क्लोज का मतलब तो आप जानते हैं कि डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा। ऐड का मतलब जोड़ना होता है, अगर कई कस्टम आपने बना रखे हैं तो उसे डिलीट करना होता है। सो मीन्स दिखाना होता है बच्चों, जो डेटा आपने लिंक किया है, जोड़ा है इस डेटा से, इस फाइल से, तो आप शो कराएंगे तुरंत वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए ये फुल स्क्रीन होता है। फुल स्क्रीन का मतलब होता है हम लोग अपने डेटा को पूरी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो ये पूरी स्क्रीन पर आप इस तरीके। अब ये नॉर्मल एप्लीकेशन कैसे हुई? अब तो यहाँ ना मेनू दिख रहा, ना कोई कमांड चल पाएगी हमारी,
तो किसी कोई आइडिया है कि नॉर्मल कंडीशन पर आने के लिए क्या किया जाता, बताइए। अंजलि, मदन, किसी कोई आइडिया है? नहीं है। चलिए, स्किप बटन एक होती है कीबोर्ड में, आप इसको प्रेस कर सकते हैं, कैंसिल मोड में आ जाएंगे, या फिर आप पट्टी पे डबल क्लिक कर दीजिए बच्चों, नॉर्मल कंडीशन में आप आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो दो रास्ते हैं, आप दोनों तरीके से नॉर्मल फुल स्क्रीन के बाद नॉर्मल आ सकते हैं। ये रूलर होता है बच्चों, रूलर काम कब करता है? जब आप लेआउट मोड पे होंगे तभी स्केल चलती है, रूलर मापने का काम करता है। ये 1 2 3 ये दिख रहा है आपको, जी किसी चीज को माप के लिखने के लिए होता है कि हम भाई 1 से लगा के 4 तक लिखेंगे, 4 से लगा के 5 तक लिखेंगे। ओके, रूलर का टिक अनटिक कर दोगे तो नहीं दिखेगा, टिक लगा दोगे तो रूलर आ जाएगा, जिसका काम ही होता है रूलर को लाना और हटाना। क्लियर हुआ? नॉर्मल ग्रिड लाइन, यहां से देखिए जो आपके ये कॉलम्स और रो दिख रही है, ये कॉलम, ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका रो होता है। ये जो दिख रही है, ये ना दिखे इसके लिए ग्रिड लाइन यहाँ से हटा दी जाती है, नॉर्मली ब्लैंक दिखेगा कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पर। क्लियर हुआ? ग्रिड लाइन टिक कर देंगे, फिर से वापस आ जाएगा। जी बच्चों, फार्मूला बार होता है, फार्मूला बार का काम क्या होता है? जो हम लोग फार्मूला लगाते हैं उस फार्मूले को जो दिखाने का काम करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फार्मूला कोई ना देख पाए तो बच्चों इसको फार्मूला को अनटिक कर दीजिएगा, अब आपका फार्मूला कोई नहीं देख सकता कि आपने इस परसेंटेज में क्या फार्मूला लगाया, या डिवीजन पे क्या लगाया, या ग्रैंड टोटल पे क्या लगाया, कोई व्यक्ति इसको देख नहीं पाएगा। जैसे आप टिक करेंगे फिर से वो देखना शुरू कर देगा। क्लियर हो गया? ये हेडिंग्स होता है जो आप लोग देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, एबीसी जो लिखा हुआ है, ये एबीसी जो लिखा हुआ है, ये 1 2 3 है, ये रो हेडिंग होती है, ये कॉलम हेडिंग होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में पूछा करता है, कॉलम हेडिंग किसे कहते हैं, रो हेडिंग किसे कहते हैं? पहले कॉलम लिखा जाता है कि रो लिखा जाता है? पहले बच्चों कॉलम लिखा जाता है, जैसे आपने ई लिखा तो ये कॉलम हो गया, 6 लिखा वो रो हो जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये हेडिंग्स को गायब करने का काम करता है, तो अगर हम लोग यहाँ से अनटिक करते हैं तो आपका वो हेडिंग्स चली जाएगी। ये देखिए आ जा रही है इस तरीके। जूम का मतलब होता है अपने पेज को आप कितना बड़ा देखना चाहते हैं, कितना छोटा करके देखना चाहते हैं, तो जूमिंग का काम सिर्फ इतना ही रहता है। आप यहाँ क्लिक करिए, आपके बने बनाए देखिए यहाँ पे, जब आप जूम डायलॉग, जब जूम पे क्लिक करते हैं, जूम कमांड पे, तो आपको जूम डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें नॉर्मली कितने कितने मोड होते हैं पूछा करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 75, 50, 25 और फिट सेक्शन होता है, तो मैक्सिमम कितना है 200 दिया गया है। तो यहाँ पे पेपरों में आया करता, तो ये आपको केयर करना है, आपको याद रखना मेन इंपॉर्टेंट होता है कि इसको हम याद कैसे करें। ये सारणी याद कर लेते तो बच्चे ट्रिपल सी वगैरह में आता है तो दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग जितना चाहें मैक्सिमम यहाँ पे देखिए मैं आपको 500 लिख के दिखाता हूँ, जो मैसेज में आपको दे देगा कि मिनिमम, देखिए मिनिमम जूमिंग साइज एक्सेल के अंदर 10 है, मैक्सिमम 400 है। क्लियर हुआ? और अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं 300, और जैसे ओके करेंगे इसका 300 का साइज हो जाएगा आपकी स्क्रीन का। ये देखिए नॉर्मल करना है तो ये नॉर्मल ऑप्शन यहाँ इन्होंने बनाया। फुल जूम का मतलब होता पूरा जूम, मतलब 400 जितना होता है ये फुल जूम कर देगा। ये देखिए यहाँ राइट साइड में देखिएगा, यहाँ पास जहाँ पास ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये देखिए 400 मैक्सिमम है, तो ये फुल जूम होता है बच्चों। और नॉर्मल करने के लिए फिर वही तरीका आप यूज कर सकते हैं, ये ऐसे, इतना आप फिलहाल समझ गए होंगे। आगे बच्चों न्यू विंडो है, न्यू विंडो का मतलब होता है नई विंडो क्रिएट करना। जैसे मेरे पास एक एप्लीकेशन की जो विंडो अभी उपलब्ध है, आप चाहते हो कि एक एप्लीकेशन की विंडो ऐसे फिर आ जाए, सेम विंडो आ जाए, तो आप न्यू विंडो पर क्लिक करिएगा, आपकी स्क्रीन पर देखिए सेम नई विंडो आ जाएगी। अभी आप देख नहीं पा रहे हैं, जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके स्क्रीन पर दो दो विंडो दिखेंगी और सेम विंडो होंगे। देखिए आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार नई विंडो क्रिएट होती जाएगी और आपके स्क्रीन पर उतने प्रकार की 3 विंडो दिखेगी। ये देखिए ऐसे, तो ये होता है न्यू विंडो का काम। और अरेंज, अरेंज मतलब होता है सजाना, यानी सजावट, कैसे आप रखना चाहते हैं, कौन सी चीज कहाँ पे फिट करनी है। तो आप जैसे टिक करेंगे, और टाइल्ड मोड पे रखना बच्चों तो टाइल्ड पे आप रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप चाहते हैं कि स्क्रीन हॉरिजॉन्टल मोड पे रखना है तो आप हॉरिजॉन्टल मोड पे रख सकते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल ये मोड होता है। अगर आप चाहते हैं कैस्केड में तो कैस्केड में कुछ इस तरीके दिखेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। ये देखिए ऐसे, क्लियर हो जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों जो प्रिंट पेन्स होता है ये काफी काम का ऑप्शन है, ये पेपर में पूछा भी जाता है, ओ लेवल के चैप्टर में तो 100% आना आना ही होता है इसको।
क्योंकि ये चैप्टर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके ऑफिस वर्क में भी यूज होगा। जैसे हम लोग कभी कभी ये होता है कि हम लोग अपना काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जी मैंने यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग्स बना दी। अब कभी कभी ऐसे रियर केस आ जाते हैं, अब हम लोग ऊपर फीडिंग का काम कर रहे हैं, अब जो डेटा अगर एमएम छिप जाएगा तो हम नीचे क्या लिखेंगे, अब क्या पता ऊपर क्या हेडिंग है। तो उसके लिए क्या होता है रियर केस में, ये लोग क्या करते हैं, पहले देखिए यहां से पहले तोड़ने का काम करता है, पूरी टेबल को तोड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये पूरा पैंस कर देगा, मतलब पूरा रो कॉलम दोनों एक साथ को तोड़ देगा। अगर अब आप यहाँ से देखिए खिसकाते हैं तो देखिए वहीं से खिसकेगा जहां पे 69 के नीचे से, ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग, ये केवल वहीं से खिसक रहा है ना, यहाँ से तोड़ दिया मैंने। और इसी तरीके आप कॉलम का भी कर सकते हैं, ये देखिए कॉलम का भी आप देख पा रहे हैं, मतलब दोनों को एक साथ जो तोड़ दिया है, लेकिन अपना मन चाह के डेटा को कैसे तोड़ना है, तो आपको रो बाय यहाँ सिस्टम दिया गया है, आप रो पर कर्सर रखिएगा और सीधा यहाँ पे आइएगा, रो को कर दीजिएगा। अब आप नीचे की तरफ जाइएगा, रो का ही केवल दिखाएगा, ये देखिए रो हेडिंग पड़ी रहेगी, यहाँ ऊपर हेडिंग पड़ी रहेगी, वैल्यू आपकी जैसे जैसे नीचे खिसकाते जाएंगे डेटा नीचे फीड होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हुआ? इसी तरीके इसे अनफ्रिज में करिए बच्चों। कॉलम का करना है, बस कॉलम पे चले जाइए और यहाँ पे क्लिक करिएगा, देखिए अब कॉलम्स के हिसाब से दिखाई पड़ेगा, ये देखिए कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए इसे अनप्रिंट भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। यह स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। ये विंडो जो दिख रही है वर्क विंडो, इस पर आप लोग इसको तोड़ सकते हैं चार भागों में, और चाहो तो चारों में एक साथ काम भी कर सकते हो। ये देखिए ऐसे एक साथ कवरेशन कर सकते हैं आप, जो भी चीज लिखेंगे आपको चारों में एक बार में लिख के दिखाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। अगर आप इस स्प्लिट विंडो को हटाना चाहते हैं तो यहां से भी अनटिक करके हटा सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। आप फिर से क्या करिएगा, इसी पर डबल क्लिक करना, ये देखिए जब ऐसा लाइन बने एरो टाइप का तभी आप डबल क्लिक करिएगा, और डबल क्लिक स्पीड से करिएगा, नहीं आप हटा भी नहीं पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जब ना हटा पाए तो सिंपल है, बस यहाँ क्लिक करिए, हट जाएगा। हाइट का मतलब, आपके पास जितनी विंडो होंगी वो यहाँ से हाइड होती जाएंगी, जो देखिए आपकी विंडो यहाँ से हाइड हो गई, सारी विंडो जितनी भी थी, अब आपको खाली एरिया मिल रहा है यहाँ पास, देखिए कुछ यहाँ पे एप्लीकेशंस नहीं है, ऑलरेडी एप्लीकेशंस होती थी। तो अब उनको वापस लाने का रास्ता क्या है, देखिए अनहाइड काम कर रहा है आपका, आप देख पा रहे होंगे, तो अनहाइड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डेटा, जितनी विंडो आपने छिपाई होंगी एक्सेल की, वो सारी विंडो ओपन करने का ऑप्शन हमने ले लिया। जैसे जैसे आपको चाहिए वैसे वैसे आप टिक करिए और ओके करिए, आपका डेटा आता जाएगा। क्लियर हो गया जी बच्चों? विंडो को साइड बाई साइड देखना होता है, इसका काम सिर्फ यही होता है कि हम लोग अपनी विंडो को, जितनी विंडो होती है उनको साइड बाई साइड देखने का काम करते हैं। कैसे, रिसेट करिए, दिखने लगेगी आपकी विंडो, देखिए आपकी दो विंडो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अगर स्क्रोलिंग का मैं देखिए अनटिक कर देता हूँ तो एक ही स्क्रोल होगा, ये देखिए, अगर मैं दोनों पर टिक कर देता हूँ तो देखिए दोनों होने लगते हैं, समझ में आ रहा है। अगर किसी ने मैक्सिमाइज कर दिया और आप परेशान हैं, आप दो विंडो नहीं दिख रही हमको, तो बस सिस्टम है रिसेट विंडो पोजिशन, वो अपनी अपनी पोजिशन में पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके बाद बच्चों अगला कमांड है सेव वर्क सेव, क्या होता है इसका यूज भी समझ लीजिए। कभी कभी रियर केस में हम लोग क्या करते हैं, अपनी अधूरी फाइल सेव किया करते हैं। तो भाई अधूरा, जैसे मान लो मैंने पूरी मार्कशीट बनाई, उसमें कुछ चीजें छूट गई, मैं सोचा कल काम करूंगा, तो उसके उसको सेव करने के लिए जिस सेव वर्क सेव बनाया गया है, आप यहाँ क्लिक करो और नॉर्मली डेस्कटॉप में जाओ और यहाँ पे एक अपना नाम दे दो, मैंने दे दिया न्यू डेटा के नाम से, न्यू डेटा, और मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने इसको एस कर दिया, यस। और एक और देखिए, अब मैं क्या करूंगा, और एक फाइल में फाइल द्वारा सेव करूंगा, इसको भी ध्यान देना दोनों में अंतर क्या है ये तुम्हें देखना है, जो सेव वर्क सेव द्वारा सेव की गई फाइल उसमें क्या है और आप जो अभी सेव कर रहे हैं उसमें क्या है। मैंने यूपीपी के नाम से एक सेव कर दिया डेटा, ये बस मैं मिनिमाइज किया और आपकी स्क्रीन पर देखिए डेटा आ गया जी बच्चों, यूपीपी है और जी आपकी न्यू डेटा वाली फाइल है। देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है जी, मुझे कोई बताएगा? चलिए कोई बच्चा बताए इनमें डिफरेंट दोनों में क्या, इसमें क्या है और इसमें क्या, वो डिफरेंट आपको दिख रहा? हाँ जी ये बच्चों जो न्यू डेटा के नाम से मैंने बनाया है, ये अधूरी फाइल है और ये फुल फाइल का इंडिकेटर है।
ये कहने का मतलब है आपकी ये वाली अधूरी फाइल है और ये आपकी फुल फाइल होती है, ये पहचान इनकी होती है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये स्विच विंडो होता है, एक विंडो खुलेगी दूसरी विंडो बंद होगी। अभी एक विंडो हाइड है नॉर्मल वाली, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये खाली विंडो है बच्चों, देखिए ये भरी हुई विंडो है जो इसमें लिखा गया है, और एक जी खाली विंडो है, दोनों में डिफरेंट है, एक खुलेगी तो एक बंद होगी। स्विच का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे ऑन ऑफ होता है। क्लियर हो गया। माइक्रो, ये बहुत अच्छा कमांड है और बहुत काम का कमांड है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। माइक्रो अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि माइक्रो पूछा भी जाता है, माइक्रो कैसे ऐड करते हैं अपने एक सिस्टम में। तो नया पेज ले लीजिए, अब माइक्रो अपने सिस्टम में कैसे चलाना है वो ध्यान से पढ़िएगा। माइक्रो कमांड पे देखिए, माइक्रो ऑन कैसे करते हैं आप, माइक्रो की शॉर्ट की क्या होती है, कोई बताएगा? गलत है, गलत है। ये पढ़ाई हो रही है अंजलि, ऐसे पढ़ोगे? माइक्रो अल्ट प्लस एफ एट होता है, ठीक है। आप माइक्रो को स्टार्ट करने के लिए पहले आप रिकॉर्ड माइक्रो में जाएंगे और यहां पे अपना एक नाम दे देंगे। मैंने नाम दे दिया रिकॉर्ड के नाम से, रिकॉर्ड ही लिख दिया मैंने, और मैंने यहां एक शॉर्ट की दे दी। शॉर्ट की विशेष ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेट में होनी चाहिए, न्यूमेरिक में नहीं होनी चाहिए। कोई भी अल्फाबेट आप दे सकते हैं, नंबरिंग नहीं दे सकते। अगर नंबरिंग देंगे तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। क्लियर। और जैसे आप देखिए नंबरिंग करके देखते हैं, बता रहा है ना, स्मॉल लेटर में वो भी कह रहा है लिखिएगा। तो आप यहां पे जैसे कंट्रोल के साथ आप क्यू कर देते हैं, क्यू आपने कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए आपके सिस्टम में रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑलरेडी माइक्रो काम कर रहा है, जो आप काम करेंगे अपने पेज पर वो सारा कुछ रिकॉर्ड करेगा आपका सिस्टम। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर रिकॉर्ड करूंगा। तो आप होम टैब में जाइए और यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, और जैसे आप क्लिक करेंगे या कंट्रोल के साथ वन एक शॉर्ट की होती है उसे भी आप दबा सकते हैं। जैसे आप दबा देंगे आपकी स्क्रीन पर वो विंडो ऑलरेडी ओपन हो जाएगी। अब आपको कलर डालना है तो फिल ऑप्शन में चले जाइए, ध्यान से पढ़िएगा, फिल इफेक्ट के अंदर आइएगा और यहां से बच्चों कलर डाल दीजिएगा। कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ऐसा फ्रॉम सेंटर करिएगा और ओके करिएगा। बॉर्डर्स लगाने हैं, आप बॉर्डर लगा लीजिएगा और यहाँ पे अच्छे से कलर डाल दीजिए आउटसाइड और ओके। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए कुछ इस तरीके का कलर आ गया। अब इस रिकॉर्डिंग को आप रोक दीजिए, रिकॉर्डिंग को क्या करेंगे, स्टॉप कर दें, बस हो गया कंप्लीट। अगर आपको जरूरत है कि आप यहां डालना चाहते हैं तो आपके पास एक कमांड होती है जिसका नाम व्यू। व्यू टैब में अभी आपने रिकॉर्ड किया है, आप इसे रन करा दीजिए, आप जो चीज ऐड किए हैं वो यहां पे आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे आप प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको एक तरीका मैं और बताऊंगा। जो आपने शॉर्ट की बनाई है, अभी बनाई है आपने शॉर्ट की, क्या बनाई है, कंट्रोल के साथ क्यू। तो जब आप कंट्रोल के साथ क्यू भी दबाएंगे तो वहां आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है कैसे हम लोगों ने कलर रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि हर एक सेल पे हम लोग डाल सकते हैं। समझ में आया सभी को माइक्रो का यूज? तो बच्चों आज का टॉपिक व्यू आपका कंप्लीट होता है। अगर कोई अभी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं आगे बढ़े बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं बच्चों।